राजवल्लभ कौशल गया भाड़ में और निशिकांत बाबू के चलेगा राज नवादा में। नवादा में, नवादा में चलेगा निशिकांत बाबू। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुशवाहा है इसीलिए नहीं चलेगा। उन बड़े हो चक्कर में नवादा राजवल्लभ यादव कौशल यादव का गढ़ है, भूमियारों का गढ़ है। यहाँ पे कुशवाहा समाज का बेटा सीना तान के चल रहा है। लालू जी ने गरीबों को बोलने का अधिकार दिया है। हम फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुशवाहा संधम किसी में है ये नहीं है। नवादा के सड़कों पर ये जो आपको भीड़ दिख रहा है, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो लोग हैं सभी कोई निशिकांत कुशवाहा को लेकर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर हजारों की संख्या में गाड़ियाँ, निशिकांत कुशवाहा। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भैया जिंदाबाद। कौन है निशिकांत जी? निशिकांत गरीबों का मसीहा है। पहली बार आए हैं? नहीं, 5 साल समाज में काम कर रहे हैं। 5 साल से समाज में काम कर रहे हैं। पावरफुल है कुशवाहा, पावरफुल है कुशवाहा, पावरफुल है। कहता है लोग कोई दम नहीं है, कुशवाहा संधम किसी में है ये नहीं है। ये देखिए नवादा में पहली बार राजवल्लभ यादव कौशल यादव के सामने में इतना बड़ा गाड़ियों का भीड़ देख। संधम गया भाड़ में, राजवल्लभ कौशल गया भाड़ में और निशिकांत बाबू के चलेगा राज नवादा में। नवादा में, नवादा में चलेगा निशिकांत बाबू। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ कुशवाहा है इसीलिए नहीं चलेगा। पड़े हो चक्कर में, पड़े हो चक्कर में। यहाँ पे आ जाइए जो लोग हैं इन लोगों से बातें करते हैं। बाकी ये जो रथ है इस रथ पे हम निशिकांत जी से भी बातें करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे निशिकांत जी हैं और तमाम जो लोग हैं इन लोगों से बातें करेंगे कि पहली बार इतना ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। बात करेंगे निशिकांत कुशवाहा जी हैं। एक सेकंड सर, आज इतना ज्यादा लोगों के साथ में आप नवादा के सड़कों पर चल रहे हैं। लोग कहता है कि नवादा राजवल्लभ यादव कौशल यादव का गढ़ है, भूमियारों का गढ़ है। यहाँ पे कुशवाहा समाज का बेटा सीना तान के चल रहा है जी। ये हम नेता नहीं है, हम अपने नवादा के वासियों के, बिहार के वासियों का एक समाज सेवा है। सबका भाई है, सबका बेटा है। और हमारी अभी कोई पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। हम सिर्फ अपने जिला को, अपने समाज को, अपने दलित शोषित लोगों को, अपने बिहार को विकसित करने के लिए यह सभा चालू किया। लेकिन एक बात तो है कि राजनीतिक रूप से कुशवाहा समाज इस अभी के दौर में बहुत मजबूत है। डिप्टी सीएम है, आलोक मेहता उधर है, फतेह बहादुर सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है, ना जाने नागमणि कुशवाहा है, ऐसे कई सारे नेता है जो राजनीतिक रूप से मजबूत है। आपको कहाँ इसमें जगह मिल पाएगा? हमारी लड़ाई है कि जितनी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसी की लड़ाई का एक अभियान चालू हमने किया है। और हम आज हमारी जो कुशवाहा की आपने जो बोला है कि तीसरी बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। आज कुशवाहा का एक भाई या एक बेटा केंद्र में एक मंत्री तक नहीं है। आज भी कुशवाहा समाज के बच्चों को देखा जाता है कि लोग पीटते हैं, मारते हैं और सम्राट चौधरी कहते हैं कि खून। वही है कि हमारा देश भले ही 1947 में आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारा समाज अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। आज हमारे समाज के बेटे की, भाई की डेली हत्याएं हो रही है और जो यहाँ की सरकारें हैं, प्रशासन है, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, आप आने वाले समय में अगर पार्टी बनाते हैं तो विचारधारा क्या होगी? एक समय में लालू प्रसाद यादव ने बोलने का अधिकार दिया, इस बात को तो मानते हैं। प्रशांत किशोर भी इस बात को मान रहे हैं, तो जी बिल्कुल, लालू जी ने गरीबों को बोलने का अधिकार दिया है। हम फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है, हमारे दलित लोगों का, हमारे शोषित लोगों का, हमारे कुशवाहा समाज का, हमारे पिछड़े लोगों का, हमारे अल्पसंख्यक लोगों का, उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी भी चाहिए। मेरा एक लास्ट सवाल यह है कि आप लेफ्टिस्ट है, राइटविस्ट है, कि कौन से आपका विचारधारा क्या है, ये हम जानना चाहते हैं कल के। हमारा विकास धारा सिर्फ लोगों का विकास करना है, लोगों को विकास करना है, चाहे हमारा राज का। हाँ, लोगों का विकास तो प्रशांत किशोर भी करने का काम कर रहे हैं, तो उनसे आप अलग कैसे हैं? वो बातें कर रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है। हम पिछले 5 वर्षों से हम शिक्षा के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। उनका भी तो यही विजन है ना कि भाई हम इंडस्ट्रियल। विजन है लेकिन मैंने किया है।
दोनों में अंतर है। वो भी तो कर रहे हैं, अभी दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री आप बता दो कौन क्या कर रहे हैं, बताइए। वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा विजन है। अरे विजन है, वो सपना है, बहुत कुछ है, अभी तक किया क्या? आप एक भी आपसे भी लिस्ट मांग लेंगे कि आपने कहाँ कहाँ क्या काम किया, तो अब क्या जवाब? मैंने बताया, मैं हर साल 30 बच्चे को गोद लेता हूँ, गरीब बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैंने गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए हैं, मैंने धर्मशाला बनवाए हैं। मैं नाम लिस्ट वगैरह पूछेगा तो बिल्कुल है, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, पब्लिक से आप पूछिए, नवादा के लोगों से पूछिए कि निशिकांत सिन्हा यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई, गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या किया है। चलिए, तो ये निशिकांत कुशवाहा जी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे राकेश जी भी है, ये सारे लोगों से हम आपसे बात कराएंगे। आगे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सारी जो गाड़ियाँ हैं ये सभी कोई निशिकांत कुशवाहा के लिए है। अब देखना है कि कुशवाहा की राजनीति बिहार में मजबूत होती है नहीं, कुशवाहा समाज का राजनीति अब मजबूत होगा निशिकांत कुशवाहा। बहुत मजबूत होगा। ये जो बड़े बड़े नेता है आपके समाज के, सम्राट कुशवाहा, सम्राट चौधरी, वो खाली दिखावा के लिए उसको यूज कर रहा है, सम्राट चौधरी को आपको फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, निशिकांत सिन्हा के टक्कर में कोई नहीं रहेगा। आप लो ना कि इनके पास नया नया पैसा हुआ ना, तो तनिक कूद रहे हैं, बाद में तो दिक्कत हुई ना, वैसा कभी ना हुआ है ना होगा कभी, भगवान की देन से सब कुछ है, रहेगा सब कुछ है, सब कुछ रहेगा। नवादा के धरती पे कहता लोग राजबल्लभ यादव, कौशल यादव के आगे कोई नहीं टिक सकता। ठेंगा देखते रहे, ठेंगा देख रहा है, अब देखते रहेगा। क्या बात कर रहे हैं, मतलब राजबल्लभ यादव, कौशल यादव और ये जो भूमियारों का बेल्ट, सब खत्म, सब खत्म। इस बार रहेगा निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, कुशवाहा के राज चलता हुआ। हाँ पूरा। चलिए, तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो लोग हैं सभी कोई कह रहे हैं कि कुशवाहा का राज चलेगा, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद कह रहा लोग, सब भाड़ा पर लोग ना भैया, अदम दिल से, अदम ईमानदारी, क्रिया खा के, अदम क्रिया खा के, एक रुपया ना लिए ना जी, क्रिया बात बदलेगा तो बिहार बदलेगा। क्या बोले? बात बदलेगा तो बिहार बदलेगा। वक्त बदल ही रहा है, बिहार कहाँ बदल रहा है? अरे बदलेगा, रुकिए नहीं, सब बदलेगा। इनको मुख्यमंत्री बनाना है, अदम सीएम बनाना है, नेक्स्ट सीएम निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद। अच्छा चलिए, नेक्स्ट सीएम निशिकांत सिन्हा। आगे देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं आदर्श वाटर पार्क खानपुर हिसुआ रोड में इनका आज कार्यक्रम है और ये जन आशीर्वाद संवाद कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बाकी आपको आउटपुट में दिखाएंगे, तमाम जो बाउंसर हैं इनके वो सभी कोई एक्टिव मोड में है कि कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो फ्यूचर में, इसको लेकर के ये लोग पूरे एक्टिव मोड में है। बाकी आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।